नमस्कार, आरसीएन डिजिटलच्या सर्व प्रेक्षकांचं आरोग्यम या आरोग्य विषयक सदरात मनापासून स्वागत. आरोग्यम हा आरसीएन डिजिटलचा आरोग्य विषयक जनजागृतीचा खास कार्यक्रम. या सदरात आपण जाणून घेणार आहोत सकस व पोषक आहाराविषयीची विशेष माहिती आणि खास करून उन्हाळ्यात आरोग्याची काळजी घेताना नेमका आहार काय घ्यावा. आज आपल्या स्टुडिओत आहेत अमरावतीच्या सुप्रसिद्ध आहार तज्ञ डॉक्टर काजल केसवानी. मॅम नमस्कार. नमस्कार. आरसीएन डिजिटल तर्फे आरोग्यम या कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत. धन्यवाद. डॉक्टर काजल केसवानी यांनी बीएमएस पूर्ण करून सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन अँड चाइल्ड केअर हा एक सर्टिफिकेट कोर्स त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. एमएससी आहार शास्त्रामध्ये त्यांनी पूर्ण करून झेनिथ हॉस्पिटल अमरावती येथे त्या सध्या आहार तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. मॅम आज आपण जाणून घेणार आहोत उन्हाळ्यामध्ये सकस व पोषक आहार कसा असावा यासाठी तुमचं अमूल्य मार्गदर्शन हे निश्चितच आरसीएन डिजिटलच्या प्रेक्षकांना उपयोगी पडणार आहे. तर मग आपण जाणून घेऊया की नेमका उन्हाळ्यामध्ये सकस आणि पोषक आहार कसा असावा. ऍक्च्युली बॅलन्स डाएट होना चाहिए हमेशा, चाहे मौसम कोई भी हो, हमेशा एक बॅलन्स डाएट होना चाहिए. बॅलन्स डाएट में जो हमारे पांच ग्रुप्स है, सीरियल्स, पल्सेस, सीरियल्स मतलब अनाज जिसमें आप रोटी, गेहूं, चावल, बाजरा, नाचनी, ज्वार, ये सब आते हैं. उसके बाद दालें जिसमें अरहर की दाल, तुअर की दाल, राजमा, चने, छोले, मूंग, मोठ, मटकी, ये सारे आते हैं. उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें सारे फल और सब्जियां आती है. उसके बाद फैट्स जिसमें अलग अलग प्रकार के तेल आते हैं. और मिल्क एंड डेयरी जिसमें दूध और दूध से बनी चीजें आती है. ये सारे चीज सीमित मात्रा में होनी चाहिए. न किसी कोई अगर चीज कम होती है तो भी हमें नुकसान होता है. जैसे आजकल चलन है कि लोग फैट एकदम वेट लॉस करने के लिए फैट का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करते थे. जीरो फैट जो आजकल है उससे बहुत सारे अपने नुकसान है. फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं जो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती अगर फैट की कमी होती है. तो सारा बैलेंस रहने से वो बैलेंस डाइट होता है. चाहे मौसम कोई भी हो हमेशा एक बैलेंस डाइट का रहना चाहिए. लेकिन मौसम अनुसार जो मौसमी चीजें होती है उसका ऊपर नीचे कम ज्यादा करके हम लोग अपना शरीर को बैलेंस कर सकते हैं. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म असं म्हणतात आणि म्हणूनच अन्न, वस्त्र, निवारा या तीनही गोष्टी माणसाच्या आयुष्यातल्या मूलभूत गरजा आहे असंही म्हणतात. पण अन्न हे त्यातही प्रथम क्रमांकावरती येतं. पण आपण लक्षात घेतोय की जसं आयुष्यामध्ये गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं तर मोठा अपघात होतो आणि मनुष्य आयुष्यातूनही उठू शकतो. याचप्रमाणे जर अन्नावरचं सुद्धा नियंत्रण आपलं सुटलं तर मग आयुष्यातून तर उठतोच, पण नेमकं हे नियंत्रण सुटू नये आणि संपूर्ण आयुष्य हे बॅलन्स असायला हवं यासाठी म्हणून अन्न हे घेताना त्यासाठी तो पोषक आणि सकस कशा पद्धतीने घ्यायला हवा या सोबतच तर नियंत्रण कशा पद्धतीचं अन्नावरचं असायला हवं हे सुद्धा आपण आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या डॉक्टर काजल केसवानी मॅडम यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. मॅम आपण बघतोय की विदर्भामध्ये एक सगळ्यात जास्ती तापमान असतं, त्यातही अमरावती जिल्ह्यामध्ये सध्या या काही वर्षांमध्ये आपण बघतोय की खूप मोठ्या प्रमाणात उन्हाळा तापतोय. तर विशेषतः नागरिकांनी काय काळजी घ्यायला हवी. क्या होता है ना, गर्मियों के दिनों में सहज ही हमारा ध्यान हाई कैलोरी फूड से हटकर लो कैलोरी फूड तक जाता है. ये प्रकृति ने अपने आप एक नियम बनाया है. हमारी जठराग्नि जो होती है, जो हमारा अन्न पचाती है, वो जैसे सर्दियों में जितनी तीव्र होती है गर्मियों में उतनी तीव्र नहीं होती है, मंद हो जाती है. तो अपने आप ही हमारा मन ऑयली फूड और हाई कैलोरी फूड से हटकर लो कैलोरी फूड की तरफ जाता है. आप सर्दियों में कचौड़ी, समोसे, ये सब देखेंगे तो अपना अपने आप मन करेगा कि हम लोग ये खा लें, राइट. लेकिन गर्मियों में आपका मन नहीं करेगा. और शरीर की हमेशा सुनना चाहिए. सिर्फ हमारा स्वाद हमको अच्छा लगता है इसलिए हम ये समोसा कचौड़ी खा लें, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है. गर्मियों में हमारा मन करता है जब हम फल नियंत्रण मनावर नियंत्रण
जबान पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह स्वाद कुछ पलों का ही होता है। अंदर जब वो शरीर में जाता है तो वह आगे हमेशा के लिए हमारे साथ डिपॉजिशंस में बच जाता है, ठीक है। तो वो उस पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जब हम अन्न की बात कर रहे हैं तो अन्न में एक न्यूट्रिशन में कहा जाता है वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। वैरायटी मतलब बहुत सारे प्रकार का, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग रंगों का खाना खाना चाहिए, और डाइवर्सिटी मतलब थोड़ा सा। तो इसलिए हर चीज मॉडरेशन में होना चाहिए। गर्मियों में जब हम ज्यादा तला भुना या फ्राइड चीजें खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में थर्मोजेनिस इफेक्ट बढ़ता है। थर्मोजेनिस मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है, हीट ज्यादा उत्पन्न होती है, और गर्मियों में पहले ही वातावरण इतना गर्म होता है, उससे और हमारे शरीर में हीट उत्पन्न होगी तो वह हमें अपचन करेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तो हमेशा हल्का लाइट खाना खाना चाहिए। इसके लिए प्रकृति हमारे साथ है, नेचर हमेशा हमारे साथ होता है, नेचर के अनुसार जाना चाहिए। गर्मियों में आप देखेंगे जो भी चीजें उत्पादन होती है वह प्रकृति के एनवायरमेंट के अनुसार ही जो भी उत्पाद होता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान करना चाहिए कि हमेशा लोकल फूड्स की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप नॉर्थ में ये चीज खा रहे हैं, एप्पल्स नॉर्थ में अभी इस समय खा रहे हैं, तो हमारे अमरावती में भी एप्पल्स मिलेंगे आपको, 200 रुपए किलो एप्पल मिलेंगे, पूरा साल मिलता है। लोगों की आजकल पैसा खर्च करने की, जो चीज ज्यादा पैसों में मिलती है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, वह हमारे संतरे, तरबूज, खरबूज जो इतने सस्ते हैं, रंग बिरंगी है, उसे छोड़कर वो 200 रुपए एप्पल्स पे ज्यादा खर्च करना पसंद करेंगे। लेकिन यह हमारे मौसम के अनुसार नहीं है, इसलिए हमेशा लोकल फूड खाना चाहिए। लोकल फूड म्हणजे नेमकं काय, की कुठले फूड घ्यायला पाहिजे, फ्रूट्स कुठले घ्यायला पाहिजे, तर लोकल तुमची व्याख्या काय असेल? लोकल म्हणजे मी असं नाही म्हणत की तुम्ही जे लोकल स्टॉल्स असतात वहां से आप लेकर खाओ, ऐसा नहीं है, उससे तो बीमारियां बढ़ेगी। लोकल फूड का मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो रॉ फूड जो हमारे घर के आसपास हमारे शहर में इजीली अवेलेबल है, आपको सहज उपलब्ध है, तुम्हाला त्यासाठी जास्त कष्ट घेण्याची जरूरत नाही है कि तुम्हाला खूप दूर जाऊन वो लेना है। वो जो आपके शहर में इजीली अवेलेबल है वो चीजें हमेशा लेनी चाहिए। हमारे विदर्भ का जो क्लाइमेट है बहुत गर्म होता है, लेकिन फायदा यह है कि उसमें आप लोकल वेंडर्स में, लोकल शॉप में, लोकल बाजार में जाओगे तो वहां पर पूरा बाजार रंग बिरंगी फलों से और सब्जियों से लदा हुआ है। ये गर्मियों के मौसम में सारी वाटर बेस्ड वेजिटेबल्स मिलते हैं, सारे वाटर बेस्ड फ्रूट्स मिलते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब। तो आप मौसम के अनुसार भाजीपाला मध्ये सध्या म्हणजे काकडी वगैरे मोठ्या प्रमाणात काकडी वगैरे राईट। आपण बघूया मॅम की आता उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्या आहेत मुलांना, त्यामुळे घरातला वेळ त्यांचा कमी झालेला आहे, शाळेचा वेळ कमी झालेला आहे, मग सतत त्यांचा ओढ असतो, कल असतो की कधी एकदाचा घराबाहेर पडतो आणि मग मी उन्हात जाऊन खेळतो। अशा वेळेस आईने कितीही विरोध केला तरी मुलं ऐकत नाही, पण नेमकं मग आईने त्यांच्या आहाराकडे काय लक्ष द्यायला पाहिजे? घर में जो उपलब्ध होगा बच्चे वही खाएंगे, आप घर में कुकीज रखोगे बच्चे कुकीज खाएंगे, घर में मैगी रखोगे घर में बच्चे मैगी खाएंगे। तो घर में ये सारी जंक चीजें रखना कम करें, वो हमारा काम है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में हम बच्चों को सारा दिन बाहर भी नहीं भेज सकते, वो रहेंगे मैक्सिमम टाइम घर में। तो घर में फ्रूट्स रखो, घर में बनाई हुई आइसक्रीम्स रखो, आम पन्ना, नींबू पानी, छाछ, दही, और सबसे बेहतर सबसे अच्छी बात यह है कि जो गर्मियों के फल आते हैं आपल्याला असं म्हणता येईल की फ्रीज उघडल्या बरोबर त्याला चॉकलेट, बिस्किट जे असेल जे इझिली ड्रिंक्स, आणि बच्चों की ये ना दिसता त्यांना जास्तीत जास्त भाजीपाला हो, फ्रूट्स, आणि बच्चों की आदत होती है जो उनको जल्दी से इजीली मिल जाए वो उनको पसंद आता है, उठाकर बस खा ले। तो आप मैंगो शेक, 2 मिनट में मैगी बन जाती है तो बच्चों को वही पसंद आएगा। मैंगो शेक दे सकते हैं बच्चों को, उसको फ्रूट्स अलग अलग शेप में काट के दे सकते हो कि बच्चों को इंटरेस्ट है। आप वाटरमेलन, आजकल तो वाटरमेलन बहुत अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, तो उसको अलग अलग शेप्स में काट के आप बच्चों को दे सकते हो। वाटरमेलन का जूस दे सकते हो, आम का पन्ना दे सकते हो, आम रस दे सकते हो। तो यह सारी चीजें थोड़ा सा प्री प्रिपेयर करके रखे कि बच्चों को जब भूख लग रही है तो उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े, फिर वो बोलेंगे नहीं हम लोग तो ऐसे ही चले जा रहे हैं, या हमको आप बिस्किट उठा लेंगे कि हम लोग बिस्किट खा के जा रहे हैं। तो इजीली अवेलेबल चीजें होनी चाहिए। तुम्ही सांगताय की उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये की अशा पद्धतीचे फ्रुट्स, भाजीपाला आईंनी जनरली गृहिणींनी घरात ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून फ्रीज उघडल्यावर मुलांना फळे आणि भाजीपाला दिसायला हवा आणि मग मुलं बरोबर तेच खातील। तर मला सांगा की काकडी किंवा टरबूज मोठ्या प्रमाणात आता उन्हाळ्यात आपल्याला उपलब्ध, सहज उपलब्ध होतोय, तर काय विशेष आहे त्याच्यामध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसात की मुलांनी तो घेतलाच पाहिजे? मुलांनी नाही, सगळ्यांनी तो घेतला पाहिजे,
चाहे वो बच्चे हो, 6 महीने तक बच्चों को नहीं देना चाहिए, राइट, उसके बाद चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो जो किशोरावस्था में होते हैं या एल्डरली लोग हैं, सभी को ये चीजें लेनी चाहिए क्योंकि पानी की जरूरत तो सभी को होती है और जो धूप में जाते हैं बाहर उनको ये ज्यादा प्रमाण में लेना चाहिए। तरबूज की अगर मैं बात करना चाहूँ तो तरबूज लोडेड है पानी से, उसमें 92% पानी होता है, प्लस उसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये फाइबर्स और पानी का जो कॉम्बिनेशन है ये आप आजकल जो वेट लॉस के लिए है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा है। वेट लॉस के जो करना चाहते हैं वजन कम उनके लिए ये सबसे अच्छा मौसम है क्योंकि फ्रूट्स में पानी और फाइबर्स होते हैं जो जरूरी है उस चीज के लिए। ऊपर से तरबूज में विटामिन ए विटामिन सी बहुत ज्यादा है। तरबूज में एक लाइकोपिन नाम का पदार्थ होता है, लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस लाइकोपिन सन डैमेज से हमारी स्किन को बचाता है और लाइकोपिन पे यह भी रिसर्च की गई है कि यह बहुत सारे कैंसर से भी हमें बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जो कैंसर है जैसे कोलोन का कैंसर जो आजकल बहुत आम हो गया है उससे भी हमें बचाता है। तरबूज में यह भी क्वालिटी है कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिससे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। प्लस तरबूज में यह भी एक क्वालिटी है जो मेनोपॉजल वुमेन होती है जिनकी जैसी पाड़ी बंद होते उनके जो धमनियां स्टिफ हो जाती है, उनकी आर्टरीज वॉल स्टिफ हो जाती है, तरबूज में जो लाइकोपिन है वह उन आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसकी थिकनेस कम करता है। और तरबूज में जो लाइकोपिन है वह धमनियों को फैलाता है जिससे हाइपरटेंशन वाले लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो तरबूज में आप देखेंगे इतने सारे गुण हैं, लेकिन आप इन गुणों को देखते हुए ना कहे तरबूज को इंजॉय करें, उसका जूस पिए, उसका उसको खाए। लेकिन डायबिटीज के लोग या जो वेट लॉस के लिए जा रहे हैं वो प्लीज जूस मत पिए। जूस हम लोग खास एल्डरली और बच्चों के लिए रखते हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम है जो खा नहीं सकते, बट तरबूज कमजोर दांतें वाले भी आराम से खा लेंगे, खाऊ शकता है। आणि हे म्हणू शकतो की आपण यू कैन ईट वॉटर, तरबूज में इतकं पाणी असते की आपण म्हणू शकतो यू कैन ईट वॉटर, यू कैन नॉट ओनली ड्रिंक, एरवी आपण पाणी पितो, पण टरबूजच्या बाबतीत आपण म्हणायला पाहिजे की आपण पाणी खाऊ खाऊ शकतो आणि मोठ्या प्रमाणात खाऊ शकतो जे की बाजारात सहज उपलब्ध सहज आणि कमी कमी भावामध्ये उपलब्ध आहे। नंतर आपण बघू कुकुंबर काकडी हे खूप स्वस्त आणि आहार तज्ञ म्हणून तुम्ही नक्कीच फर्स्ट प्रायोरिटी प्राथमिकता काकडीला देणार, कारण मला वाटतं की सौंदर्यासाठी सुद्धा काकडी सौंदर्यासाठी राईट काकडीमध्ये 96% वॉटर असते आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट इतके भरपूर असतात, फायबर्स इतके भरपूर असतात की आपलं पूर्ण डायजेस्टिव्ह सिस्टम टॉक्सिन्स ते क्लीन करतात, फ्लश आउट करतात। काकडी इतकी चांगली आहे आणि प्लस त्यात पोटॅशियम असते, मॅग्नेशियम असते जे इलेक्ट्रोलाइट आहे, पसिनामध्ये सिर्फ पाणी नाही निकलता है साथ में पोटॅशियम भी निकलता है, तो ककडी खाने से वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसकी भी पूर्ति होती है। प्लस उसमें सिलिकॉन और सल्फर होता है, सिलिकॉन और सल्फर से आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है, बाल अच्छे होते हैं आपके, हेयर ग्रोथ होता है। उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है जो आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखता है, रोग शक्ति रोगों से रोग प्रतिकारक शक्ति वाढ़ होते। तो कुकुम्बर में इतने बेनिफिट्स हैं। प्लस हमारे गर्मियों में भुट्टा मिलता है, कॉर्न, वह भी फाइबर्स से भरपूर है, उसमें ल्यूटेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज है धूप में उससे हमारे स्किन को बचाता है, खूप आवश्यक आहे, खूप आवश्यक आहे। अनेक बाजारामध्ये सनस्क्रीन उपलब्ध सनस्क्रीन राइट, बट हे नॅचरल आतून स्किनला प्रिव्हेंट करतात अल्ट्रावायलेट रेज। सेम जो सब्जियां मिलती है गर्मियों में वह भी पूरे वाटर बेस्ड रहती है और फाइबर से भरपूर रहती है। आप गॉड्स अलग अलग तरह के गॉड्स मिलते हैं, गॉड्स मतलब तोरई हो गई, लौकी हो गई, उसके बाद परवल हो गया, ये सारे अलग अलग गॉड्स है, तो इनमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, प्लस इसमें फाइबर्स भी अच्छा होता है। लौकी तो इतनी अच्छी कही गई है, लौकी को तो वेट लॉस वेजिटेबल कहा गया है, हार्ट खूब चांगली महत्वाची है, त्यात हायपरटेंशन साठी चांगली आहे, बीपी साठी सॉरी डायबिटीज साठी चांगली आहे खूप जास्त। आणि लौकी मध्ये एक जो अभी समर्स में सबको एसिडिटी होती है, तो जिनको ये प्रॉब्लम है अगर वो लौकी किसी भी रूप में चाहे उसका जूस चाहे सब्जी या लौकी सूप में डालकर अगर वो रोज नियमित रूप से पिएंगे तो उनका एसिडिटी से काफी हद तक उन्हें छुटकारा मिलेगा। उसके बाद करेले, करेले में जो गर्मियों में ही मिलते हैं उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, फंगल इन्फेक्शन से लड़ने की प्रॉपर्टी होती है, प्लस करेले में इतने अच्छे फाइबर्स होते हैं कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उससे क्लीन होता है,
कहीं ना कहीं थोड़ा बिटर टेस्ट भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि मैंने आयुर्वेद किया है इसलिए पंजन टेस्ट इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी टू सम एक्सटेंट, उसका अपना एक महत्व होता है. उन्हाळ्यात विशेष काळजी घेताना मला असं वाटतं की दही ताक हे मोठ्या प्रमाणात प्यायला पाहिजे असं म्हणतात, तर काय नेमकं गुण त्याच्यामध्ये आहेत की ते मोठ्या प्रमाणात लहानांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी गुणकारी आहे? दही इज अ फर्मेंटेड फूड राइट, उसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा है. प्रोबायोटिक्स मतलब जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट लाइव ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं. बट दही में जो हम जामन डालते हैं उसके बाद ही दूध का दही बनता है, तो दैट इज फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट के लिए बहुत जरूरी है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गट फ्रेंडली बैक्टीरिया, तो उससे हमारा पाचन बहुत इजी हो जाता है. दूध से ज्यादा बेहतर दही को माना जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा पार्शियली डाइजेशन हो जाता है. जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो लोग कई बार दूध नहीं टॉलरेट कर पाते, बट दही टॉलरेट कर लेते हैं. प्लस दही को आप बहुत सारी अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. आप छाछ बनाकर उसे पी सकते हो. छाछ तो एक अमृत माना गया है, ब्रह्मांड का अमृत माना गया है छाछ को. उसमें आप नमक, भुना जीरा, पुदीना काट कर डालोगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, प्रोटीन प्रमाणात वाढतात, और वो आपको धूप से बचाएगा. आप घर से निकलते समय एक ग्लास पुदीना भुना जीरा डालकर छाछ पी कर जाए तो आपको धूप नहीं लगेगी. तो यह प्रोबायोटिक्स फूड है, इसलिए इसे ज्यादा अच्छा माना जाता है. दही को दूध से ज्यादा बेहतर दही मानी जाती है. डाइजेशन में इजी होती है दही, और ठंडा करता है. हमारे कुछ पदार्थ हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं, कुछ ठंडक उत्पन्न करते हैं, तो दही उनमें से है कि जो हमारे शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है. आता वेळ झाली आहे एका अल्पशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आमचा खास कार्यक्रम आरोग्यम. हॉटेल वाइल्ड ग्लोरी व्हेज नॉनव्हेज रेस्टॉरंट. आमची वैशिष्ट्ये स्पेशल बांबू हट. गार्डन रेस्टॉरंट अराउंड रोज गार्डन. बेस्ट प्लेस फॉर किड्स फन. वैरायटी अरेंजमेंट फॉर रोडगी पार्टी. रेस्टॉरंट हॉल. सेलिब्रेशन लॉन फॉर रिसेप्शन एंगेजमेंट. स्पेशल अरेंजमेंट फॉर क्लब पार्टी, बीसी पार्टी, गेट टुगेदर, रिफ्रेशर पार्टी. एकदा अवश्य भेट द्या हॉटेल वाइल्ड ग्लोरी, हायवे नंबर 6, नांदगाव पेठ, अमरावती. City Multi Speciality Hospital and Critical Care Center. We promise better and complete health. Kalyan Nagar Chowk, Amravati. Susajja ICU, Atyadhunik Operation Theater va Laparoscopy Suvidha. Central Monitoring, Central Oxygen, Central Suction, Hemodialysis Machine. Atyadhunik Ventilator, Susajja Swatantra Room ani General Ward. Sarva Atyadhunik Arogya Suvidhanni Paripurna. 24 Tas Tajnya Doctor. Hruday Rog va Madhumeha Tajnya. जनरल व दुर्बीण द्वारे शस्त्रक्रिया तज्ञ, प्रसूति शास्त्र व स्त्रीरोग तज्ञ. सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, कल्याण नगर चौक, अमरावती. ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. डॉक्टर काजल केसवाणी यांच्या सोबत आज आपण जाणून घेत आहोत आरोग्याविषयी विशेष काळजी उन्हाळ्या ऋतूमध्ये. मॅम, पूर्वीपासून आपण ऐकत आलो आहे की बाहेर पडताना कांदा सोबत घेऊन जायचा वगैरे, तुमचं काय मत आहे याविषयी? ऍक्च्युली कांदे, प्याज जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो रखना चाहिए. इसके बारे में तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती वो क्यों रखना चाहिए, लेकिन यह एक है जो सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं, जो हमारे दादी नानी बोलते आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और आजकल वो प्रूफ भी हो रहा है. लेकिन गर्मियों में प्याज खाना बहुत फायदेमंद है. प्याज में एक कूलिंग इफेक्ट होता है, उसमें
उसको अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हो तो उसको नींबू के साथ सबसे बेस्ट होता है खाना, सलाद में मिक्स करके। जो हमारे विदर्भ में लाल प्याज मिलता है, लाल प्याज में एक और फायदा है कि उसमें क्यूरसिटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। क्यूरसिटिन क्या होता है? एक नेचुरल एंटी एलर्जन है, नेचुरल एंटी एलर्जन है, और ये डायबिटीज में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो अपने आप में प्याज गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, साथ में आप रख भी सकते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं उसका फायदा होता ही होगा। फळांचा राजा आंबा या विशेष फळाला मानल्या जातं, परंतु आपण बघतोय की वजन वाढेल या भीतीमुळे बऱ्याचशा गृहिणी, बऱ्याच कॉलेजच्या महाविद्यालयीन तरुणी त्या आंब्याकडे जात नाही, आणि खास करून आंब्याचा रस तर आपण घेतोच, म्हणजे त्याचं विशेष महत्व उन्हाळ्यात आहे, तर काय आहे की कुठल्या रुग्णांनी घेऊ नये, कुठल्या वयोगटातल्या व्यक्तींनी आंब्याचा वापर करू नये, तुम्हाला काय वाटतंय? आंबा, मँगो जिसको हम बोलते हैं, सबको बहुत पसंद आता है, और हमारे विदर्भ में वो 2-3-4 महीने के लिए बहुत भरपूर प्रमाण में भी आता है, मोठ्या प्रमाणात येते आणि सहज उपलब्ध होणार आहे, बाहेर परप्रांतातून आणायची गरज नाही। कैरी, आंबा, त्याचे वेगवेगळे, आणि उसको इतने सारे रूप में हम कर सकते हैं, इतने सारे चीजों में डाल सकते हैं कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। आम में ये खासियत है कि उसमें कैलोरीज तो अच्छी होती ही है, बट साथ साथ वो एम्प्टी कैलोरीज नहीं होती है, उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं बहुत अच्छा। मैंगो में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके स्टोर होता है, विटामिन ए स्टोर हो सकता है हमारे बॉडी में, तो वो साल भर आपके लिए काम करता है। जो आम गर्मियों में 4-6 महीने मैंगो खाते हैं, वो साल भर हमारे काम आते हैं, विटामिन ए स्टोर हो जाता है, उसमें विटामिन सी है जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। प्लस मैंगो में बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, अल्फा फ्लेवोनॉइड होता है, अल्फा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं। राइट, आजकल कैंसर का प्रमाण आपने देखा होगा बहुत बढ़ गया है, तो इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि वो हमें कैंसर से बचाते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आजकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं, वापरला जाता है, तो वो एक कंसर्न का विषय है, हानिकारक असू शकते, तर त्याला आपण हे करू शकतो की त्याला चांगलं धुवून धोकर उसको यूज कर सकते हैं, उसको स्क्रब करके यूज करना चाहिए, क्योंकि आम को जनरली पकाने के लिए केमिकल्स का यूज होता ही है, तो उसके छिलके को वैसे भी हम जब खाते हैं आम तो छिलका मुंह में जाता ही है, तो उसको अच्छे से स्क्रब करके धोना चाहिए। बाकी उसको सभी ने खाना चाहिए, बच्चों, बूढ़ों, हर चीज के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए भी आम बहुत अच्छा है। हम कैलोरीज के बारे में, जैसे अभी आपने वेट लॉस पर बात की, अगर हम कैलोरीज के हिसाब से सोचें तो मुझे बताइए, आप बाहर जाओगे, आपको गर्मी लगेगी, तो आप एक कोका कोला या एक जूस का ग्लासेस पी लो, बाहर तो आपने देखा होगा कितनी साखर टाकतात जूसा मध्ये, कोका परत बाहेर तयार करण्यात आलेले बर्फाचे गोले, और वो तो चलो जिनको वेट लॉस करना होगा वो नहीं लेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्लास जूस, एक ग्लास कोक तो पी लेंगे, तो उसमें कितनी कैलोरीज होती है, लेकिन वो एम्प्टी कैलोरीज होती है। तो अगर आप दिन भर में 1-2 फांक आम की खा लेंगे, तो सिर्फ आपको सिर्फ कैलोरीज तो नहीं मिली, साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे आम के फायदे भी मिले। और आप हमेशा न्यूट्रिशन में मॉडरेशन होना चाहिए, मतलब सीमित मात्रा में खाना चाहिए, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, बच्चे हैं वो खा सकते हैं दिन में 1-2 आम, लेकिन जो वेट कॉन्शियस है उनको ज्यादा ना खाते हुए थोड़ा सा सीमित प्रमाण में आम खा सकते हैं। दूसरा, जो जिन लोगों को आम के बारे में ध्यान देना चाहिए वो डायबिटीज वाले हैं। आम क्योंकि एक मीठा फल है, उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है, तो डायबिटीज वालों को, जो मधुमेह से, जिनको मधुमेह है, उनको भी फिर सीमित मात्रा में आम खाना चाहिए, और खाली पेट आम ना खाते हुए खाने के साथ 1-2 फाक खा सकते हैं। आमरस जो बनाएंगे उसमें चीनी कम डालें, बिल्कुल कम डाले, या नहीं भी डाले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आम अपने आप में एक मीठा फल है। आम पन्ना है जिसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, आम पन्ना में चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जो अगेन आपका आयरन HB बढ़ाएगा। ठीक है, आम की अचार खाना भी बहुत अच्छा है, कम तेल डालकर, क्योंकि अगेन अचार एक अति विशेष बाब तुम्ही जोर देऊन सांगताय की आंब्याच्या पणामध्ये साखरेऐवजी जर आपण गुळ टाकून ते पणाचा उपयोग केला तर ते आपल्या शरीरातील कॅल्शियम आयन वाढवण्यास उपयुक्त ठरतं, असं मॅडम या ठिकाणी सांगताय की आंब्याचा रस आणि पण याच्यामध्ये प्राथमिकता नेमकी कशाला की दोन्ही संतुलन आपण समतोल राखता येईल? कच्चे केरी के अपने गुण होते हैं, पके हुए आम के अपने गुण होते हैं। राइट, आम का पन्ना जो है वो वाटर बेस्ड होता है, उसमें हम पुदीना डालेंगे, काली मिर्च, भुना जीरा, दालचीनी, सौंफ, ये सब पीस कर आप डालोगे,
ठीक है, उसके बाद उसमें गुड़ डालोगे, फिर उसको पानी में 1/4 पन्ना और बाकी का पानी डालकर, तो जब आप धूप में निकल रहे हो उससे पहले आप पन्ना लेकर जाओ, ऑफिस जाते समय आप अपने साथ बॉटल में पन्ना ले जाओ, बच्चों को पन्ना दो गर्मियों में अगर वो स्कूल जा रहे हैं, और जो आम रस है वो हम खाने के साथ जनरली लेते हैं या ऐसे भी लेते हैं, लेकिन आम रस में चीनी ना डालें। मैं खासकर आपसे ये कहना चाहूंगी कि आम अपने आप में एक मीठा फल है, जो हमारा स्वाद होता है ये हम बनाते हैं, चाहे आप अगर इसको मीठा खाने की आदत डालेंगे तो इसको मीठा अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा सा बिना चीनी का खाने की आदत डालोगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, तो उसमें चीनी ना डालें। आम पन्ना में आप गुड़ डाल सकते हो, उसमें फुदीना डाल सकते हो। आम आपके आंखों के लिए भी, विजन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आपको हीट स्ट्रोक से भी बचाएगा, उष्माघात। और आप अच्छी कैलोरीज ले, दिन भर में आप जो बाहर जाकर जूस पीते हैं या बिस्किट ही पकड़ लो आप 2-3 बिस्किट खाओगे उसमें 100 कैलोरी आ जाती है, तो आप उससे अच्छा इंजॉय करें जो आपका लोकल फ्रूट है जिससे फलों का राजा, अधिक चांगला हो चॉकलेट हो। आपण बघतोय की वेगवेगळ्या जाहिराती सध्या टीव्ही वरती येतात कोल्ड ड्रिंक्सच्या, शीतपेयांच्या, आणि त्याला अगदी सहज लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत आपण भुरळ पडतो त्या जाहिरातींना, आणि मग थोडं बाहेर निघालं की आपण वेगवेगळ्या कंपनीचे वेगवेगळ्या कंपनीच्या शीतपेयांकडे आपला कल असतो। किती घातक असू शकतात शरीरासाठी शीतपेय? ते जितकं तुम्ही समजू शकता त्यापेक्षा थोडं जास्त घातक असू शकतात। एक्चुअली ये सब वेस्टर्न कल्चर है, जो कोको कोला जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आए हैं ये सारा वेस्टर्न कल्चर है, वहां पे लोगों के पास इतना फूड नहीं होता है कि जिससे वो बना सके, ना कि इतना समय होता है, वेळेचा अभाव, पण आपल्याकडे तसं नाही है। आता सगळं वर्किंग वुमेन आहे ते मान्य आहे, पण इजी पण झालं, प्राथमिकता देणाऱ्याच आपल्याकडच्या महिला असल्यामुळे वो हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक आहे ते, ठीक आहे, संस्कृती असल्याने आपण अधिक घराकडे लक्ष देऊ, काय कुटुंबाच्या गरजा आहेत, मुलांना मोठ्यांना काय खायला पाहिजे, प्राथमिकता देऊनच ती स्त्री घरा बाहेर पडते। तो इसलिए उस एड्स के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान न जाते हुए बच्चों को भी समझाना चाहिए यह बात कि उसमें क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, जीरो कैलोरी, जीरो दिस थिंग होता है, न्यूट्रिशन होता है, एम्प्टी कैलोरीज जिसको हम बोलते हैं। तो इससे अच्छा अगर हम नींबू पानी लें, अब ये बहाना हो सकता है कि हम कैरी नहीं कर सकते, लेकिन आजकल आप जाइए कहीं पर भी नींबू पानी वाले रहते हैं और वो आपके अनुसार आपके स्वादानुसार वो बनाएंगे, बिना चीनी का, काले नमक का, पुदीना डाल के, नारियल पानी, उसका रस, बर्फ के साथ, बिना बर्फ के साथ, आपके अनुसार वो बनाएंगे और आप देख सकते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। बट ये आप थोड़ा ध्यान दें कि मतलब साफ सो, क्योंकि गर्मियों में बीमारियां भी बहुत जल्दी फैलती है, तो नींबू पानी, आम पन्ना, छाछ, नारियल पानी, लस्सी, और सबसे अच्छा तो अपना पानी, मटके का जो पानी होता है वो, ये सब चीजें आप ले तो इसमें पूरा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज सब बैलेंस होता है। आपण बघतो की जसं पावसाळ्यामध्ये हिवाळ्यामध्ये बऱ्याच आजारांना आपण निमंत्रण देत असतो, तर उन्हाळा सुद्धा त्यात मागे नाही, उन्हाळ्यातही बरेच आजारांना कळत नकळत आपण आमंत्रण देत असतो, तर कसे कुठले आजार नेमके उन्हाळ्यात उद्भवतात आणि त्यासाठी विशेष काळजी काय घ्यायला हवी? गर्मियों में आपने देखा होगा कि जनरली उल्टियां, फिर लूज मोशंस, सनस्ट्रोक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें होती है। बाहर निकलना आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि काम के लिए आपको निकलना ही पड़ता है बाहर, बच्चों के आजकल क्लासेस ये सब भी ज्यादा हो गए, उनको निकलना, फिर भी आप 12 से 4 बजे के बीच में अवॉइड करें निकलना, एक ये हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसमें सबसे पीक आवर्स होते हैं धूप का, 12 बजे से पहले आप अपनी जगह जहां पहुंचना है आपको पहुंच जाए और 4 बजे से बाद निकले, ये 3-4 घंटे का आप अवॉइड करें। निकलते समय आप सिर्फ प्लेन वाटर न पीते हुए, जैसे मैंने अभी बताया नींबू पानी या शिकंजा, शिकंजी या आम पन्ना या छाछ, ऐसा कुछ पीके निकले जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो, नमक भी हो, ऐसा पीकर निकले, और अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल रखें, बाहर से कहीं से भी आप पानी मत नहीं पी ले, क्योंकि पानी खराब भी हो सकता है, आपका पेट बहुत जल्दी खराब हो सकता है। प्लस गर्मियों में हमें एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कटी हुई चीजें जो मिल रही है बाहर, कटे हुए फल या जूसेस, इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम इतना गर्म होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो चीजें जल्दी खराब होती है, तो जब हम फल काट के रखते हैं तो उसके ऊपर मक्खियां बैठती है, या वो 2 घंटे भी अगर आप काट के रखोगे तो वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो अवॉइड करें। अपने साथ अपना खाना कैरी करके निकले। घर में भी आप ये कर सकते हैं कि खाना बनाकर उसको बहुत देर बाहर न रखें,
अगर आप तुरंत 2 घंटे के अंदर उसको खाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको फ्रिज में रखें और उसे खाने से पहले अच्छे से गर्म करें, खाने को ढक के रखें, पानी की जगह साफ रखें। और एक और बात कहना चाहूंगी इसके साथ आपको कि आजकल आपने देखा होगा बच्चे जैसे ही तुरंत बाहर से खेल कर आते हैं तो सबसे पहले फ्रिज खोलते हैं और बॉटल निकालते हैं और पानी पीना लगते हैं। इसे हमें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए क्योंकि बाहर से आने के बाद चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है, ऊपर से आप एकदम ठंडा पानी आप दे रहे हो तो आप टेम्परेचर का डिफरेंस देखो, उसमें आप जल्दी बीमार हो सकते हो, राइट। मटके का पानी सबसे अच्छा होता है तो वही उसे ही हम खुद भी पिए और बच्चों को भी उसे वही पीने के लिए प्रेरित करें, मटके का पानी। खाना खाने के तुरंत बाद भी हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, अपचन होता है, एसिडिटी होती है। अपन बघतोय की घरातील गृहिणी जी सतत इतरांच्या प्रकृतीची काळजी घेत असते पण उन्हाळ्यात सतत कामामध्ये उभी असताना तिला स्वतःच्या प्रकृतीकडे लक्ष नसतं किंवा स्वतःला ती प्राथमिकता देत नाही आणि म्हणून बऱ्याचदा कमी पाणी पिण्याचं प्रमाण किंवा पोषक सकस आहार घेण्याचं प्रमाण तिच्यामध्येच नेमकं कमी असतं आणि अशा वेळेस बऱ्याच आजारांना ती निमंत्रण कळत नकळत तीही निमंत्रण देत असते। तर मग त्या गृहिणीने स्वतःच्या प्रकृतीकडे लक्ष देताना कुठल्या गोष्टीला प्राथमिकता द्यायला हवी? गृहिणी तो घर की करता धरता होती है, लक्ष्मी होती है, करता धरता होती है। अगर वही बीमार हो जाएगी तो बाकी भी सफर करेंगे, तो उसे अपने तरफ ध्यान देना ही चाहिए। थोड़ा शांति से बैठ के 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। और जब दूसरों के लिए कोई चीज बनाई जाती है घर में तो अपने लिए भी, ये नहीं कि बस हाँ खत्म हो गया आप शरबत ये वो, तो हमें आलस आता है, वो सबके साथ होता है, आपके साथ मेरे साथ भी वही चीज होती है, ठीक है। वो आलस ना करके खुद भी अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देकर सारी चीजें ये जो मैंने बताई है चीजें करनी चाहिए। आणि धावपळीच्या याच्यामध्ये नेमकं उन्हाळ्यात सगळ्यात आवश्यकता असते ती पाण्याची, आणि पाण्याकडेच आपण दुर्लक्ष करतो की उभ्या 2 घोट फक्त पिऊन घेणं। आणि ही ये एक बात कहना चाहूंगी, जब हमें प्यास लग रही है, हमें प्यास क्यों लगती है? शरीराला कमी, राइट। शरीर में पानी की कमी होती है तब हमें प्यास लगती है। तो प्यास लग रही है मतलब आप पानी कम पी रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो आपको प्यास लग रही है या फिर आपके यूरिन में कहीं आपका यूरिन डार्क कलर का आ रहा है या थोड़ी जलन हो रही है, तो ये सारे लक्षण हैं। तो आप पानी ज्यादा पीजिए और प्यास लगने के पहले ही आप पानी पीजिए, प्यास लगने का इंतजार नहीं कीजिए। बच्चे जनरली हम देखते हैं कि जब उनको जब तक प्यास नहीं लगती है तब तक वो पानी नहीं पीते हैं, लेकिन प्यास लगना इज अ साइन। हा तर विषय झाला लहान मुलं किंवा घरातील मोठ्यांचा, पण नेमकं पाण्याच्या माठाजवळ सतत वावरणारी गृहिणी सुद्धा पाणी कमी पिते, आवर्जून थोडं शांततेने बसून ते घ्यावंच पाहिजे, ते आवश्यक आहे। स्वतः खुद के तरफ थोडा, आजकल खैर चेंज हो रहा है, पहले जैसा अब नहीं रहा, अब उसको बैठ के थोड़ा अपने लिए भी सोच के, क्योंकि बच्चों का बाकी के घर के लोगों का तभी हम सोच पाएंगे जब हमारा शरीर खुद का स्वस्थ होगा। नहीं तो अगर हम अंदर से थके हुए हैं तो हम दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? वो आपने देखा होगा, वो एयरप्लेन में भी बोलते हैं फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ देन हेल्प अदर्स। अपना पहले स्वतः का ऑक्सीजन मास्क लगाए फिर बाजू वाले की हेल्प करें। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें तभी तो आप पूरी तरह से दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। आपण बघूया की नवजात शिशूची नेमकी काय काळजी घ्यायला पाहिजे, कारण आपण सांगू शकतो काय त्रास होत आहे, छोटं बाळ सांगू शकत नाही, तर आईनी किंवा घरातील इतर सदस्यांनी त्या बाळाची उन्हाळ्यात विशेष काळजी काय घ्यायला हवी? नवजात शिशु अगर हम 6 महीने तक बात करें तो उसको ऐसे पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मदर्स मिल्क होता है, माँ का दूध होता है, उसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। और पानी 6 महीने तक अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसे 6 महीने तक बच्चे को पानी पिलाएंगे तो हो सकता है किसी ना किसी तरह से इन्फेक्शन भी जाए, क्योंकि इतनी सफाई रखे तो अच्छा, अच्छी बात है, बट 6 महीने तक पानी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर आपको इसके साथ साथ बच्चे के पेशाब की तरफ ध्यान देना चाहिए, वह बार बार यूरिन करते रहना चाहिए, उसका यूरिन कहीं पेशाब पीले रंग का तो नहीं हो रहा है? अगर वह बार बार पेशाब कर रहा है, हर आधे 1 घंटे में पेशाब कर रहा है, मतलब उसके शरीर में पानी की कमी नहीं है। 6 महीने के बाद बच्चे को पानी पिलाना चाहिए, बट पानी में आपको यह सावधानी, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन पानी से होता है, जरा सा भी कॉन्टामिनेशन हुआ, आपका हाथ लगा तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनको बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लूज मोशंस, डायरिया होने के, उल्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जब पानी की शुरुआत करें 6 महीने के बाद बच्चे की, तो उसको बॉईल करके, ठंडा करके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी पिलाएं।
थोड़ा थोड़ा करके. बाकी नवजात शिशुला आईच्या दुधापेक्षा दूध एवढे महत्त्वाचं दुसरं काहीच नाही. दुसरं ते काहीच नाही. त्यांना पाणी पण 6 महिन्यापर्यंत तर त्यांना पाणीची पण गरज असते. उन्हापासूनही प्रखर उन्हात तर घेऊनच नाही जायचं 6 महिन्यापर्यंत शिशुला. नाही घेऊन जाय बाहेर नाही लेके जाना चाहिए धूप. मला मराठी बोलण्यात थोडस कष्ट. अरे मला असं जाणून घ्यायला आवडेल की ज्येष्ठ नागरिकांचं, कारण या वयात धाप लागणे, उष्माघाताचे बळी ठरलेले बरेचदा ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात असतात, तर काय सल्ला देणार तुम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना? धूप में ऐसा रहता है कि जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, बच्चे और बूढ़े एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो 12 से 4 बजे तक तो उन्हें बाहर निकलना ही नहीं चाहिए. अवॉइड नहीं करू शकत. तो त्यांना पाणी भरपूर, आणि सिर्फ पाणी ही नहीं, साथ साथ उनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरत है. तो सिर्फ आप प्लेन पानी उनको पिलाते रहेंगे तो पसीने में तो हमारा पानी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक ऐवजी एनर्जी ड्रिंक घ्यायला. नहीं, काहीच एनर्जी ड्रिंक सबसे अच्छा नींबू पानी. नींबू पानी अच्छा. उसमें आप नमक डालो, शक्कर डालो, वो आपका बेस्ट एनर्जी ड्रिंक है. उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम है, ग्लूकोज है, तो वो सबसे बेस्ट एनर्जी ड्रिंक है. आम पन्ना बहुत अच्छा है, आप कैरी भी कर सकते हो. जैसे छाछ हम बोलते हैं खट्टा हो जाएगा 2-3 घंटे में, बट आम पन्ने में को कुछ नहीं होगा, बस वो थोड़ा सा गर्म ही हो जाएगा, आप उसे ऐसा भी पी सकते हो. प्रेक्षको, आज आपल्या सोबत होत्या डॉक्टर काजल केसवाणी, अमरावतीच्या सुप्रसिद्ध आहार तज्ञ. झेनिथ हॉस्पिटल मध्ये आहार तज्ञ या पदावर सध्या त्या कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेतली आहेत उन्हाळ्यात विशेष काळजी काय घ्यायला हवी, उन्हाळ्यात मिळणारे फ्रूट आणि भाजीपाल्याचा दैनंदिन आयुष्यामध्ये, दैनंदिन जगण्यात जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, आणि बाजारात सहज उपलब्ध होणाऱ्या कोल्ड्रिंकचा आपण कोल्ड्रिंक कडे न जाता जास्तीत जास्त ज्यूस कडे किंवा घरी बनवलेल्या आमरसाकडे आपण कसं वळता येईल, या आणि अशा अनेक विषयाकडे मॅडमनी आपल्या सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. आणि आपणही जाणून घेतल्यात की उन्हाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्यांवरती नेमकं पोषक आणि सकस आहार कसा घेतला. यानंतर पुढील भागात भेटूया आणखी एका विशेष डॉक्टरांसोबत, जाणून घेऊया आजाराविषयीच्या विविध समस्यांवरती निदान आणि उपचार. आमच्या स्टुडिओत आज उन्हाळ्यात घ्यावयाची विशेष काळजी या विषयासाठी आपण सकस व पोषक आहाराविषयी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. डॉक्टर काजल केसवाणी, आरसीएन डिजिटल चॅनल कडून आपलं मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.